वह इमरान खान का प्यार है वह औरत होकर भी दौड़ती है सामने कि जरा मैं जुला उसे सामने खल के मैं देखा अपने इमरान खान नवाज शरीफ हाले तक मुल्क वापस क्यों नहीं आता फिर तो बेई पे निकल देना आवाज ला नहीं उसे घरे को चोर हो चोर वो फिर नस्ते नंद रहे हैं और फिर नस्ते चोर हो चोर फिर नस्ते नंद रहे हैं इन्हें सारी उम्र हुकूमत की है और सारी उम्र खादा नहीं आज जना आया सामने इन्हें बड़ी तकलीफ होती हुई जालम दे बचो पाँच साल से लाउन दे हुआ इमरान खान उनको नहीं कहते सारे बच्चियाँ और खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हमारे पास आ जाओ उसको लड़कियों का जरूरत नहीं है लड़कियाँ खुद जाते हैं उधर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसी देखते पे हो हज़ारा 24 न्यूज़ से मैं तुसां दा मेज़बान अरमान अली चिनारा पहाड़ा ते कालजां दे शहर अबटाबाद पे तुसां सारेयां देखने वाले खुश आमदेद आखने अज मेरे प्रोग्राम दा जिहड़ा टॉपिक है ओह है कि इमरान खान दा हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च कामयाब हो सी या नाकाम हो सी हज़ारे दे लोग खासकर अबटाबाद दे लोग इस बारे में केयर आए रखते हैं आओ जुलने अबटाबाद दे लोगों की तरफ उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू नाल उन्होंने नुक्ता नज़र नाल जानने हैं कि वो इस हवाले नाल की आखना चाहते हैं इमरान खान दा हकीकी आज़ादी मार्च कामयाब हो सी या नाकाम हो सी कामयाब तो है कि लोगों जमा कर दे वो डुगडुगी वाला आ जुड़ा ना सारी दुनिया जमा के इनके नाल चला जुलते लेकिन जद इस पैर रखे रज के रोटी कोई भी नहीं खाता हर आदमी भुखे का भुखे ही है सिर्फ डुगडुगी वाला डुग 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 करते उसको दुनिया जमा जुलती है। इमरान खान आज़ादी लॉन्ग मार्च लाहौरों के इनके इस्लामाबाद में आंदे कि समझो कामयाब उसी नाकाम उसी जरा जी आज़ादी मार्च फजूल है ना इसकी आवाम भी भुखा ना मर दी है असा ना नवाज शरीफ तो फायदा है ना इमरान खान तो फायदा ऐसा किसी तो फायदा नहीं जिहड़ियां आज़ादी लॉन्ग मार्च में बीबिया नचदियां मुजरे कर दियां डांस कर दियां इन्हें आना चाहिए या लॉन्ग मार्च में इन्हें नहीं आना चाहिए जी गुनाह है जी अल्लाह बंदे हो खातून जर्नलिस्ट का एक्सीडेंट हुआ है वो इमरान खान के कंटेनर तले आके मर गई है कुछ आते ने उसे शहादत मिली है कोई आते ने उसे धक्का दिता गया तो उसी के समझते हो कि इससे जिम्मेदार कौन है वो यार जी जिम्मेदार अपने आप वाले बगैरती अल्लाह सामने इस तरह नहीं करना चाहिए और उत्ता तो है कि नहीं सामने रोड पर आवे इमरान खान का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च कामयाब उसी या नाकाम उसी तुसा के पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहता कामयाब होगा और ये चोर भागेंगे इंशाल्लाह कामयाब होगा और ये चोर भागेंगे चोर थोड़े थोड़े तो इमरान खान साहब भी हैं उन्होंने तो तस्लीम कर लिया है मैंने कड़ी छुपाई है मैं रोड बढ़ाया बनी गाला वाला ये उनके कहने की बात है ना कड़ी छुपाई थे उन्होंने आखते हैं ना बकाया उन्होंने बच्चे ही थे आपू थे असा सुबह तो कहने के शामी 11-12 बजे तक उस सड़ी आज़ादी बात तो लगे देने इंशाल्लाह असं जरूर कामयाब हो और इन्होंने चोरों को निजात मिल सी अच्छा जिहड़ियां खवातीन आंदियां पीटीआई दे धरने विच इन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए मुल्क दे अंदर कोई रहा नहीं हर आदमी तंग है वो आले जान बनी दी है हर आदमी यही गल आते ही जुना आज़ादी ने चोरों को लोग और ये बेलकवामी चोर ने ये साढ़े हजारे बिच इन्हों का ना है ये चोर आज खत्म हो गए ने और इतने पीटीआई का ना है इंशाल्लाह अगर अगले 5 साल में नवाज लीग की हुकूमत दोबारा आ जाती है क्या समझते हैं कि मुश्ताक गनी पीटीआई में ही रहेगा या मुश्ताक गनी पीटीआई छोड़कर नून लीग में चला जाएगा मुश्ताक गनी हमारे भाई हैं और पीटीआई के रुकन हैं और इंशाल्लाह पीटीआई में कामयाब होंगे और ये चौक जो है त्रामणी चौक से लेकर खन्ना पुल तक वज़ीर आज़म में बकाया कुछ भी नहीं है ये अगर चोर ना होते तो ये इलेक्शन हुए हैं 8 सीटों से 7 सीटें इमरान खान ने ली हैं तो ये किसकी आज़ादी है मैं खुद पीटीआई दा वहाँ पर मुश्ताक गनी होनी जो है ना जितते असन वोटा नाल पर असं यंग अवाम जी है ना अबटाबाद अली इन अग्नि भर्ती कराते पेशावर दारे भर्ती कराते हैं कोई पोस्ट आती है कोई सीट आती है ना सीधा पेशावर वाले अस्पताल में देखो जिथे भी देखो पठान ये असं लोकल भ्रा जे हैं ना कोई रेहड़ियाँ लाते हैं 16-16 पड़े कोई मछी बेचता है कोई गत्ते चुनता है कोई के पै करता है आवाम अपने हक वास्ते क्यों नहीं बाहर निकलती इन्हों की सपोर्ट वास्ते बाहर निकलती है धरने वास्ते बाहर निकलती है अपनी राइट वास्ते क्यों नहीं आती आवाम अपनी वास्ते निकलती है मुश्ताक गनी तो दुराजे तो जुलती है अगो मुश्ताक गनी साहब होनी उस टाइम मिलते नहीं जिस टाइम असं तो आते वोटा मंगने वास्ते मिन्नत मथाजियाँ फिर असने बड़े बडेरे के उधर प्यार के भुखे होते प्यार गल करते आखते हैं वादा करते हैं फिर उत्थे नाल अल्लाह जी माफ़ करो तो बस फार आयतुल कुर्सी कुरान पाक आखते इस उत्ते वादा करो जी तुम असा ही वोट दसो इमरान खान का आज़ादी लॉन्ग मार्च कामयाब हो सी या नाकाम हो सी कामयाब हो सी असी सारे उस नाल क्यों तो उस नाल हो बस असा दिल्ली की चाहत कि असं आखने एक बार उस चांस मिले इमरान खान खुद बंदा ठीक है उस नाल जो बंदे हैं ना उन्होंने किरदार नहीं सही इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब हो सी या नाकाम हो सी इंशाल्लाह कामयाब हो सी क्यों कामयाब उसी कामयाब इस करके उसी 15/4/1971 की मैं पैदाइश हाँ इन्हों 53 साल में मैं दोवे पार्टियां की हुकूमत देखी है पी पी पार्टी या नून वाले इन्हें सारी उम्र हुकूमत की है सारी उम्र पाकिस्तान की हुकूमत की है और सारी उम्र खादा ने मुल्क उठो नहीं दिता ने आज जना आया सामने इन्हें बड़ी तकलीफ होती हुई जालम दे बचो 5 साल से लाउन दे आज जो मेरे भरा थे 10 साल हुकूमत की कितने 10 साल की और 5 साल तो जना लावे ना दसे अपना आप असी अपनी आप गाटा लवा छोड़ा इतने आ गए आखने
जड़ा आदमी है जड़ा गैर ममालक आगे जड़ा अमेरिका का पिट्ठू हो या जो इंडिया का पिट्ठू हो जो उसके खिलाफ बोले साढ़े मुसलमान है जो बिच आ गए कि जिन्हें जालमा इंडिया के पैसे दे खेड़ दे और अमेरिका के पैसे दे खेड़ बच्चे इस टाइम दे आन अपने इस्लाम दे आके खलो जी पी टी आई के जलसे भी कुड़ियां डांस कर दिया नजर आदि ये किसका कसूर है क्यों आदि फिर ये इमरान खान उन्होंने घर नहीं जुलता ये उन्होंने एक अपना प्यार है मैं हूँ जिस तरह खड़ा था मैं किसी चंगा लगना मेरे पिछले दौड़ क्या सुन वो इमरान खान उन्होंने घर नहीं जुलता वो इमरान खान का प्यार है वह औरत हो के भी दौड़ती है सामने कि जरा मैं जुला उसे सामने खल के मैं देखा अपने इमरान खान और राणा सनाउल्ला जिस तरह दुनिया पता है सारे कुछ पता है पर अज फिर वो बने हुकूमत का लीडर दिल सड़द है कि यार सच्चाई है सामने आनो असी मुसलमान हाँ नवाज शरीफ हाले तक मुल्क वापस क्यों नहीं आता फिर वापस इसी वजह तो उसका पता है ना उसके बच्चे दुबई में निकल देना आवाज ला नहीं उसके घर को चोर हो चोर वो फिर नस्ते नंदर वो फिर नस्ते चोर हो चोर फिर नस्ते नंदर इमरान खान दल आजादी लॉन्ग मार्च कामयाब हो सी या नाकाम हो सी इंशाल्लाह कामयाब हो सी क्यों कामयाब हो सी किंजू कामयाब हो सी एक ईमानदार आदमी है मुल्क वास्ते ठीक आदमी है कौमी मुतहदा भी जी उस तकरीर की है पूरे मुल्क पूरी दुनिया में वह सही आदमी है ये जो दुए ने सारे चोर आजादी लॉन्ग मार्च होंगे उस बिच खवातीन आ देखा जुलदे डांस करते हो मुजरे करते हो खासकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तलबात आ देखा जुलदे ये एकदम पी टी आई का ठीक है कि जलसा में खवातीन और खासकर उन स्टूडेंट्स आंदा जुलदे जो हॉस्टलों में रेंगे गल इस रहा भाई मसला है कि मौलाना फजलुमान जो दीन आदमी है उसके धर्मे भी कुड़ियाँ नचदिया ने वो आंदा है उस नहीं अगर रोक सकता तो दूसरी पार्टी किस तरह कोई रोक सकती है इमरान खान की आज़ादी लॉन्ग मार्च कामयाब होगा या नाकाम होगा नहीं ये कुछ भी नहीं होता इससे पहले भी कर तो इंशाल्लाह नाकाम होगा कोई कामयाबी नहीं होगी इसको क्योंकि कौम इसको पहचाना है वैसे वो शुगल मज़े के लिए हर बंदे जा रहे हैं धरने में इमरान खान के लॉन्ग मार्च में उसके कंटेनर के नीचे एक सहाफ़ी की जान चली गई इसका जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार तो मौत तो अल्लाह की तरफ से होती है इसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ ये जो पीटीआई के जलसों में खवातीन आती हैं स्किन टाइट कपड़े पहन के मुजरे और डांस करते गाड़ियों के ऊपर गाड़ियों के दरमियान मर्द होंगे उसका जिम्मेदार कौन है उस वजह से तो नौजवान तबके जाते उधर वरना कौन जाएगा इंजॉय के लिए बाकी कोई पार्टी शार्टी नहीं इमरान खान का आज़ादी लॉन्ग मार्च कामयाब होगा या नाकाम होगा वो कामयाब होगा क्योंकि उसके साथ इतना आवाम है उसके साथ है तो फिर कामयाब ही होगा आज़ादी लॉन्ग मार्च में बड़ी वीआईपी बच्चियां आती हैं मुजरे करती हैं इसका जिम्मेदार कौन है उनको कौन लेके आता है वो बच्चियों को उनका जिम्मेवार अपने वो जो घर में बाप है और उनके भाई है वो जिम्मेदार है वो उसका जिम्मेदार इमरान खान नहीं है इमरान खान उनको नहीं कहते सारे बच्चियाँ और खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हमारे पास आ जाओ उसको लड़कियों का ज़रूरत नहीं है लड़कियाँ खुद जाते उधर।